प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी पर यदि आप विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को आप मानते हैं और यदि 1% भी आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको 2 चीजें अवश्य पता होनी चाहिए। यदि ये चीजें आपको नहीं पता है तो फिर आप इस एस्ट्रोलॉजी का फायदा अपने लिए कभी भी नहीं ले पाएंगे। दर्शकों, वो 2 चीज कौन सी है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। दर्शकों, सबसे पहले आप अपने जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर अपनी कुंडली बनाइए और जब आप उस कुंडली को खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपकी कुंडली बनी हुई नजर आएगी। अब जो ये स्थान मैं आपको बता रहा हूं, इस स्थान पर यदि 1 का अंक है तो ये अच्छी तरह समझिए कि आपका मेष लग्न है और लग्न आपको पता अवश्य होना ही चाहिए। लेकिन लग्न किनको पता होगा? जिनके पास अपना जन्म समय होगा या कुंडली होगी वो आसानी से समझ सकते हैं कि उनका लग्न क्या है। इसी स्थान पर यदि 2 का अंक होगा तो वृषभ लग्न होगा, 3 होगा तो मिथुन लग्न होगा, 4 होगा तो कर्क लग्न, 5 होगा तो सिंह लग्न, 6 होगा तो कन्या लग्न, 7 होगा तुला लग्न, 8 होगा वृश्चिक लग्न, 9 होगा धनु लग्न, 10 होगा मकर लग्न, 11 होगा कुंभ लग्न और 12 होगा तो मीन लग्न। अब दर्शकों, आपको यह समझ आ गई होगी अपनी कुंडली देख करके कि आपका लग्न कौन सा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना ही रखना है कि आपका लग्न क्या है। यदि आपको आपका लग्न नहीं पता है तो आप कभी भी अपने जीवन के बारे में कुछ बेहतर पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 99% चीजें आपकी जीवन से जो निर्धारित होती हैं वो इस लग्न के आधार पर ही निर्धारित होती हैं। और दूसरी बात दर्शकों, आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी राशि क्या है। अब राशि कैसे पता करें यह भी मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए ये कुंडली लेते हैं। अब आप देखिए दर्शकों, यहां पहले स्थान पर 5 का अंक लिखा है तो आपको यह अच्छी तरह से पता है कि यह किस लग्न की कुंडली है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं तो आप बताइए ये किस लग्न की कुंडली है। जी हां दर्शकों, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये सिंह लग्न की कुंडली है। लेकिन इस जातक की राशि क्या है? चंद्रमा मीन राशि के अंदर स्थित है, यानी 12 अंक जहां लिखा है वहां चंद्रमा बैठा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 नंबर का मतलब होता है मीन, यानी जहां 12 नंबर जिस स्थान पर लिखा है वो मीन राशि ही होगी। चंद्रमा मीन राशि में है इसीलिए मीन राशि इस जातक की कहलाएगी। यदि चंद्रमा 10 नंबर पर होता तो मकर राशि कहलाती, 1 नंबर पर होता तो मेष राशि कहलाती, 2 नंबर में वृषभ राशि, 3 नंबर में मिथुन राशि, 4 में कर्क राशि, 5 में सिंह राशि, 6 में कन्या राशि, 7 में तुला राशि, 8 में वृश्चिक राशि, 9 में धनु राशि, 10 में मकर राशि, 11 में कुंभ राशि और 12 में मीन राशि। अब दर्शकों, हर जातक के एक लग्न और एक राशि अवश्य होती है और आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि आपका लग्न क्या है और आपकी राशि क्या है। अगर यह 2 चीज आपको पता है तो आप अपने जीवन के अंदर ज्योतिष विद्या का भरपूर फायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि लग्न के आधार पर आपके जीवन की बहुत सारी घटनाएं निर्धारित होती हैं और राशि के आधार पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन पर असर करती हैं। जैसे विवाह यदि होगा राशि देखी जाएगी, कोई शुभ आयोजन कर रहे हैं राशि देखी जाएगी, बहुत जगहों पर आपको राशि का फलादेश भी मिलता है, आप उसे भी फॉलो करेंगे तो इसी राशि के आधार पर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कहीं आपको लग्न फल जानने को मिलता है तो समझ जाइए वो बहुत ही श्रेष्ठ है, सही है और उसे ही आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लग्न फल पर त्रुटि होने की संभावना बहुत कम बनती है।
क्योंकि हर 2.5 घंटे के अंदर लग्न बदलता है और लग्न बदलने पर उसकी स्थितियां भी बदलती है और इसीलिए लग्न का फलादेश सटीक भी जरूर होगा। दर्शकों अब एक उदाहरण से और समझते हैं इसी कुंडली को। यहां लग्न सिंह है और राशि कन्या है। अब दर्शकों एक उदाहरण से और समझते हैं। इस उदाहरण के अंदर आप देखिए मेष लग्न है और मीन राशि है। दर्शकों चंद्रमा तो अपने स्थान पर रहेगा 2.25 दिन तक, लेकिन 2.5 घंटे बाद में राशि मीन ही रहेगी लेकिन लग्न वृषभ हो जाएगा। उसके 2.5 घंटे के बाद में लगभग मिथुन लग्न हो जाएगा लेकिन राशि मीन ही रहेगी। इसी तरह से 24 घंटे के अंदर 12 के 12 लग्न बन जाएंगे और राशि लेकिन मीन ही रहेगी। अब आप स्वयं अपना अनुभव लगाइए और ये देखिए कि क्या राशि फल को फॉलो करें या लग्न फल को फॉलो करें। राशि की प्रमाणिकता अलग तरह से होती है, लेकिन लग्न फल यदि आप देख रहे हैं, दैनिक लग्न फल देख रहे हैं, तो वो सटीक अवश्य होगा क्योंकि चंद्रमा से लग्न की स्थिति बिल्कुल सटीक है और आपके जन्म के समय पर बन रही ग्रहों की परिस्थिति से वो बिल्कुल मेल खाती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये दो चीज आपको पता है तो फिर आप इस ज्योतिष विद्या का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।